शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हमारे बच्चे की मां बनने का झूठा नाटक किया है इन्होंने, देखिए। पर ये झूठा सच्चा सारा किस्सा ही खत्म कर देते हैं हम। ना हम यहां रहेंगे और ना ये सब कुछ होगा। पंडित जी मंत्र शुरू करिए। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा। गौना करके ले जा रहे हैं अपनी गहना को। आप गहना के पिताजी हैं, हमारे इस सफर में आप हमारा साथ देंगे। जीते रहो बेटा, खुश रहो। आओ बेटिया। करना है कर, लेकिन गहना गौरव तक नहीं पहुंचनी चाहिए किसी भी हालत में। गहना कहाँ हो तुम? गौरव हम बस रास्ते में ही हैं। पर तुम इतना हाँप क्यों रही हो? वो सब हम तुम्हें बाद में बताएंगे। लेकिन गौरव पहले तुम हमें वो बताओ कि गहना? ये हमें क्या हो रहा है? गहना कहाँ हो तुम? बात करो हमसे। गहना
अब इससे पहले कि उर्वशी दीदी आए, जल्दी से इसे कहीं छुपा देते हैं। इसी पर कहने तो कुछ कर नहीं पाई, लेकिन उर्वशी दीदी अगर वो आ गई तो वो इसे बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जल्दी करो, जैसे जैसे जहर फैलेगा ना, इसकी सांसें थमती जाएंगी। सॉरी उर्वशी दीदी, जिस गौरव को लेकर तुम हमें धमकी दे रही थी वो वजह ही नहीं रहने देंगे। आपके रास्ते का कांटा गहना है और हमारे रास्ते का कांटा आप और गौरव है। हमारा फोन तो टूट गया, अब हम गौरव से बात कैसे करेंगे? हमारा गौरव से बात करना बहुत जरूरी है। चाहे कुछ भी हो, हमें गौरव को पूछना ही होगा कि आखिर सच क्या है। ये मेरा काम है, आप जाइए, मैं कर लूंगी। अब जितने कांटे चुभेंगे गहना को चुभेंगे। अचानक मौसम को क्या हो गया? हे महादेव, रक्षा करना। तेरे लिए गलत रास्ता ही सही रास्ता है, चलती रह। जजमान जी, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, दूल्हा दुल्हन कहाँ है? क्या बताएं पंडित जी, उन दोनों का कोई अता पता नहीं है। हमें तो लगता है कि गौरव को गौना करना ही नहीं था, हमें परेशान करना था, सो कर लिया। क्या गौरव का है? गौरव कहाँ है? हमें नहीं पता, जब हम यहाँ पर आए तब शायद गौरव गहना को ढूंढने चला गया था। सब क्या हो रहा है? होगा क्या? मुझे धमकी देने की सजा मिल रही है, अब मरे हुए गौरव को देखकर खुद भी तड़प तड़प कर मरना। मेरी प्यारी उर्वशी दीदी,
गहना। नहीं, मेरे काले जादू के आगे कौन सी शक्ति बचा रही है गहना को? हे महादेव, ये कहाँ आ गए? ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? हमें तो गौरव की आवाज सुनाई दे रही थी। हे भोलेनाथ, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा गौरव किसी मुसीबत में, हमारे गौरव की रक्षक। गहना, आपका लाख लाख शुक्र है भोलेनाथ। हमारा गौरव जहाँ भी है वो सही सलामत है। भोलेनाथ, हमारा गौरव हमारा इंतजार कर रहा है। हम जा रहे हैं अपने गौरव के पास, अपना गौना पूरा करवाने। गौरव, तुम कहाँ थे? गौरव, तुम ठीक तो हो ना? बोलो गौरव, तुम ठीक तो हो ना? बोलो ना। गहना आ गई। उम्मीद करते हैं कि गौना का मुहूर्त नहीं निकला होगा। निकलेगा भी कैसे? अब हमें गहना से कोई अलग नहीं कर सकता। चश्मे पूरी कीजिए। पर दुल्हन कहाँ? पंडित जी, गहना आ गई है और टोली में इंतजार कर रही है। पंडित जी, आप विधि शुरू कीजिए। गौने की सभी रस्में संपन्न हुई, ये श्री फल लीजिए और टोली में रखकर दुल्हन को आशीर्वाद दीजिए। गहना बिटिया, अब फर्ज भी निभा दिया और कर्ज भी। कर्ज उन सभी खुशियों का जो हम तुम्हें ना दे सके, इस नारियल के साथ बांध कर हम सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद तुम्हें दे रहे। इसे स्वीकार करो। गौरव बेटा, हमारी बेटी का ख्याल रखना। जो खुशियां हम उसे नहीं दे पाए वो तुम उसे दोगे ना? देखिए, हम ये तो नहीं कहेंगे कि चांद तोड़ कर ले आएंगे, पर उसके सपने कभी टूटने नहीं देंगे। है ना?
ये सब क्या है? गहना कहाँ है? गहना चली गई है। हम सबसे दूर। ये सब क्या बोल रही हैं आप? सही कह रही हूँ गौरव, गहना मेरी वजह से चली गई। गहना, साफ साफ बताइए ना, क्या कह रही हैं आप? और वशी बताओ, गहना कहाँ गई? आपको गहना कहाँ गई है वो नहीं पता, क्यों गई है ये बता सकती? अरे पहेलियां बुझाना बंद करिए, आप जल्दी बताइए गहना कहाँ है। वो एक्चुअली गहना को पता चल गया था कि मैं गौरव के बच्चे की मां बनने वाली। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? हमारे बीच में एक रिश्ता था, कोई संबंध नहीं था कि आप हमारे बच्चे की पर कहना, उसने कैसे मान लिया है सब कुछ? उसने पूछ लिया होगा कहीं से, उसे पता चल गया गौरव। पर जब कुछ था ही नहीं तो कोई प्रमाण कैसे दे सकता है? अरे प्रमाण है ना गौरव जी, जिस दिन आपने उर्वशी दीदी को डाइवोर्स के पेपर्स दिए थे ना, उसके कुछ ही देर बाद रिपोर्ट्स आ गई थी, और रिपोर्ट्स देख के तो का रो रो के हाल बेहाल हो गया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये बात आपको कैसे बताएं। इनफैक्ट उर्वशी दीदी ने खुद हमें ये बात घर में किसी को भी बताने के लिए मना कर दी थी। लेकिन गहना तो गहना है, उसने हमारी बातें सुन ली। अब बताइए, घर में इतना सब कुछ चल रहा है तो गौना कैसे होगा? गहना ऐसा नहीं कर सकती, ये जरूर इन्होंने कोई खेल खेला है गहना और हमें अलग करने के लिए। नहीं गौरव, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उर्वशी, गौरव सही कह रहा है, अगर ऐसा कुछ होता तो गहना हमें और गौरव को बताती, उसके बाद वो कहीं जाती। लेकिन वो चली गई है पापा जी। नहीं नहीं, वो कहीं नहीं जाएगी, हमें पुलिस को कंप्लेंट करनी होगी। गहना गहना गहना, उसी की चिंता हमारी बेटी उर्वशी की नहीं। जब वो बोल रही है कि सुधा तुम गहना के बारे में नाम मत उस मनुष का, अगर आप उसे ढूंढ नहीं लिए ना तो हम कह दे रहे हैं आपसे, हम बच्चों को जहर दे देंगे और खुद को फांसी लगा लेंगे। और तुम एक बात बहुत ध्यान से सुनो, अगर गहना तुम्हारा फर्ज है तो उर्वशी मेरा गुरु है, मेरे गुरु को ललकारो मत। आइंदा मेरी बेटी से ऊंची आवाज में बात की ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। Thank you.
हमारी एक गलती हमारी हजार अच्छाइयों पे भारी पड़ गई। हमारी पिटिया गहना ना तो उसे खुशी और ना ही सुरक्षा दे पाए हो। गहना तैयार ही नहीं ये बच्चा उसका। अगर वो ये घर छोड़ के चला गया तो इस बच्चे को किसका नाम दूंगी मैं? मेरा ये बच्चा ना गहना की तरह ना जायज ही कहलाएगा। हरगिज नहीं, हमें नफरत है इस नाजायज शब्द से। तुम्हारे मामले में तुम्हारे पापा की तरह लुका छुपी का खेल नहीं है। सबके सामने शादी हुई है तुम्हारी गौरव से, उसे तुम्हें अपनाना ही होगा, तुम्हारे बच्चे को नाम देना ही होगा। हम देखते हैं ये कैसे नहीं होगा। गौरव तुम कहां जा रहे हो? मेरे साथ हॉस्पिटल चलना चाहिए था। मेरा अल्ट्रासाउंड है आज गौरव, और डॉक्टर ने कहा है कि बच्चे के दोनों पेरेंट्स साथ में होने चाहिए। चलो मेरे साथ। आप जैसी औरत के ना नजदीक आएंगे ना आपको आने देंगे। तो जिस चीज का वास्ता आप दे रही है ना, उसका सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए अपना नाटक अब बंद कीजिए आप। और एक बात, हमें हमारी गहना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ गहना, और उसे ढूंढने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे, कहीं भी जाएंगे। इसलिए हटिए। और एक बात, अगर हमें पता चला कि आपने गहना के साथ कोई षड्यंत्र रचा है तो हम ना आपका लिहाज करेंगे ना आपकी मम्मी का। फोन में ट्रैकिंग डिवाइस डाउनलोड कर दिए हैं। तुम जहां भी जाओगी हमें तुम्हारी लोकेशन पता चल जाएगी। नहीं कहना, कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें। कुंडलियां मिली, रिश्ता बना, शादी हुई तो गौना भी होगा। हम एक दूसरे के लिए बने हैं कहना, हमारे को तो तुम मार नहीं पाई, कम से कम गौरव के दिल में से तो गहना को मार दो। मैं तो उसे मारी देती, पर कोई बड़ी शक्ति उसके साथ थी। शक्ति? कौन सी शक्ति? अच्छा हुआ जो आपने इसे सही वक्त पर बचा लिया, वरना वहां कहीं जंगली जानवर इसे काट के नोच के खा जाते हैं। फोन की लोकेशन तो यही बता रही थी। गहना, गहना कहाँ हो तुम? गहना, हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। गहना,
तो गहना का फोन है। गहना, गहना। उसी शक्ति का पता लगा रही हूं मैं। ये सब करने की ना कोई जरूरत नहीं है, गहना तो मरी चुकी है। कुछ करना है तो गौरव का करो, कुछ ऐसा करो कि गौरव सिर्फ और सिर्फ मेरा हो जाए, समझी? तो यहां मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अपना ये काला जादू करो और पता करो कि क्या हो सकता है। कोई तो इस पर काला जादू कर रहा है, तभी तो इसकी ये हालत हुई है। पता नहीं भगवान क्या चाहता है जो इसे मेरी चौकट पर भेज दिया है। क्या है इसकी नियति, क्या है इसका भविष्य? रक्त दे रही हूं, ग्रहण कर। कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? हेलो गौरव, आज पुलिस ने हमें एक लाश की शिनाख्त के लिए बुलाया था। शुक्र है वो लाश अपनी गहना की नहीं थी। पता है गौरव, हम तो सहम गए थे कहीं ऐसी खबर गहना की आई तो। हमारी गहना मर नहीं सकती, हमारी गहना हमारे पास जरूर लौटेगी। आप चिंता मत कीजिए, गहना को कुछ नहीं होगा, गहना मिल जाएगी हमें। ये कौन सा रास्ता है? गहना से मिला तो महादेव, इसकी सांसें लौटा दो महादेव, जगाओ इसे मूर्छित अवस्था से, जागो महादेव जागो। हर हर महादेव। हमें हमारी गहना से मिला दो महादेव, हर हर महादेव। रक्त दे रही हूं, ग्रहण करो।
गौरव को लौटना मुश्किल है। क्यों, क्या हुआ अचानक से? और ये हवन कुंड की आग क्यों बुझ गई? क्योंकि गौरव का प्रेम उस लड़की के लिए सच्चा है। और सच्चे प्रेम के आगे यम भी अपना फैसला बदल देते हैं। पापा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम वो उर्वशी से मिलने। अरे वो श्लोक को आपसे कुछ जरूरी काम था, वो आपको ढूंढ रहा है, जाइए बात कर लीजिए उससे। ठीक है। श्रेया, उर्वशी का ख्याल रखना, इस समय वो बहुत तकलीफ से गुजर रही है। पापा जी, उर्वशी दीदी कहाँ भागी जा रही है? आप पहले जाइए ना, श्लोक से बात कर लीजिए, वो इधर उधर ढूंढ रहा है आपको। जा, तेरी पुकार स्वीकार हुई, बाबा तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता दिखाएंगे।